आदर आदाब अभिनंदन आभार, मैं हूं मानस और स्वागत है आपका एक बार फिर से सफरनामा में। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने आप लोगों को रक्षा कवच के बारे में बताया, जो कि आपके मोबाइल के लिए नहीं आपके लिए भी बहुत ज्यादा यूजफुल एक एप्लीकेशन दे रखी है, जिसमें आप लोगों को अलग अलग मोड दे रखा है आपकी सिक्योरिटी आपकी सेफ्टी से रिलेटेड। तो मैं एक बार फिर से आ गया हूं MHV मीडिया प्राइवेट लिमिटेड पे। तो चलिए मिलते हैं सर से और देखते हैं कि इस बार का क्या नया पैकेज होने वाला है, और कोई भी अगर जुड़ करके बिजनेस शुरू करना चाहता है तो कैसे वो कर सकता है, कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट से वो पैसा कमा सकता है। दोस्तों मैं आ चुका हूं एक बार फिर से MHV मीडिया प्राइवेट लिमिटेड पे, और यहां पे मिलते हैं एक बार फिर से राकेश जी से। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो हमारी पिछली वीडियो का कैसा रिस्पांस रहा? बहुत सर, बहुत अच्छा रहा, बहुत लोग जुड़े जी। सबसे पहले तो नमस्कार दोस्तों, और सर आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आप हमारे MHV मीडिया कंपनी के अंदर। थैंक यू, थैंक यू सर, बिल्कुल। और सर हमारा जो है शुरुआत से ही यही मोटिव रहा है कि जो कम इन्वेस्टमेंट में अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बड़े लेवल पे पहुंचाना चाहते हैं, उनके लिए हम बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। और इस बार जो हम प्रोडक्ट लेके आए हैं, आपको पता ही होगा कि हर 6-7 महीने पर जो हम न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, इस बार जो हम लेके आए हैं सर वो सेफ्टी के पर्पस से लेकर आए हैं। आज की डेट में ये रक्षा कवच एप्लीकेशन है सर फोन के लिए। आपको पता ही होगा सर कि आज की डेट में जो है जीने के लिए, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि रोटी कपड़ा मकान, और आज की डेट में जो इंपॉर्टेंट हो चुका है वो मोबाइल फोन। और मोबाइल फोन जब सेफ है तो ऐसा लगता है कि हम सेफ है, नहीं तो लगता है कि क्या हो गया, क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि आप 50,000 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए तक के आप फोन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी सिक्योरिटी का आप लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। तो ये रक्षा कवच एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपके मोबाइल की भी सिक्योरिटी और आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी सारी चीज़ों का ध्यान रखता है। तो इस टाइप की सर्विसेज आप लोगों को मिलती है सर से, तो हमें इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बताइए सर। देखिए सर, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, आज दुनिया में जितना भी कारोबार चलता है, जितना बिजनेस चलता है वो मोबाइल से चलता है। बिल्कुल ठीक बात। मोबाइल आपका गुम हो जाए तो बहुत दुख होता है सर, बहुत दुख होता है। और उसको बचाने के लिए रक्षा कवच आपको पूरी मदद करेगा। यदि आपका फोन कहीं गिर जाता है, चोरी हो जाता है, तो सिंपली यदि आपके फोन में रक्षा कवच एप्लीकेशन है तो उसको आप ट्रैक कर सकते हैं, उनकी लोकेशन मंगा सकते हैं, किसके पास है फोन वो पता चल सकता है, और भी बहुत सारे जो है फीचर्स है। डेमो में आपको मैं प्रॉपर जो है दिखा दूंगा किस तरीके से जो है कि वर्क करता है। तो दोस्तों एक बार हम फिर से आप लोगों को सुरक्षा कवच के ऐप के बारे में बताने वाले हैं कि ये कितना बेनिफिशियल आपके लिए होने वाला है मोबाइल सिक्योरिटी से रिलेटेड। तो क्या क्या फीचर्स और क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं सर इसमें? सर आपको मैंने पहले वीडियो में भी पूरा डेमो दिखाया था, मैं अभी भी आपको दोबारा आपको डेमो दिखाने वाला हूँ किस तरीके से एप्लीकेशन वर्क करता है, कैसे काम करता है, इमरजेंसी में कैसे फंस सकते हैं आप, तो उस सिचुएशन में कैसे आपकी ये हेल्प करेगा, ठीक है, और आपका फोन इनके चोरी हो जाता है, खो जाता है, कहीं गिर जाता है, तो कैसे अपने फोन को आप ट्रैक कर सकते हैं, चलिए देखते हैं जी। ये देखिए सर, एप्लीकेशन मैंने डाउनलोड कर रखा है, रक्षा कवच एप्लीकेशन, आप भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं www.rakshakavach.in से, या डायरेक्टली आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए सर मैं आपको दिखाता हूं, मैं इसको ओपन कर लेता हूं जी। ये देखिए इस तरीके का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा। बिल्कुल जी, जैसे ही आप एंटर करेंगे होम स्क्रीन पे इस तरीके के बहुत सारे मोड दे रखे हैं इसमें, 22 प्लस फीचर्स हैं जो कि सब अपने आप में बहुत ज्यादा यूनिक है सर। ओके, सबसे पहले मैं आपको प्रोफाइल में ले जाना चाहूंगा, प्रोफाइल में चलते हैं। देखिए नेम, जीमेल आईडी, साथ में आपको जो है नंबर और पासवर्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सर, इनकेस आप इमरजेंसी में फंस जाते तो यही आपको। ये मेरे हिसाब से बेसिक जो आपका प्रोफाइल है ये सिंगल एक बार डालना होगा ना इनिशियल? जी जी बिल्कुल सर, नहीं ये आप भी चेंज कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ओके। ये पासवर्ड यदि इन केस आपके फ्रेंड को या किसी को भी पता चल जाता है तो हो सकता है ट्रैक कर सकता है, तो उसके इसमें आप चेंज कर सकते हैं। अच्छा ठीक बात जी, और इसको आप लॉक करके भी रख सकते हैं, दिखाता हूं मैं आपको। यहां से आप ऐप लॉक इनेबल करेंगे, जैसे ही आप इनेबल करेंगे ये एप्लीकेशन लॉक हो जाएगी, और जब तक पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक ये ओपन नहीं होगा, नहीं होगी जी। बिल्कुल सर, प्रोफाइल में मैं दिखा रहा था सर आपको, यहां पे दो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट भी डाले जाते हैं जो कि आपकी इमरजेंसी में हेल्प करेंगे, उन्हीं के कॉन्टैक्ट यहां पे डालिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो अपने हिसाब से जो सा आपको लगे इमरजेंसी है आप उसके नंबर यहां पे डाल सकते हैं। जी बिल्कुल सर, ठीक है जी। सबसे पहले सर मैं आपको करके दिखाने वाला हूं इसमें बैकग्राउंड कॉल मोड, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट चीज पहले मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल जी जी सर, और इनकेस देखिए माता पिता, भाई बहन या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी मार्केट गए हैं या कहीं भी गए, किसी भी रीजन की वजह से आपका कॉल रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हो जाता है मन में एक घबराहट पैदा हो जाती है कि कहां चले गए, फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हैं। बिल्कुल जी होता है। तो उस केस में मैं कहूंगा आपसे कि आप कुछ कर पाएंगे तो आपका
आपका जवाब होगा सर नहीं, नहीं कर पाएंगे बिल्कुल, लेकिन बात है। लेकिन सर रक्षा कवच यदि उनके फोन में है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए अच्छा। मेरे फोन में रक्षा कवच एप्लीकेशन है, मैं सिंपली अभी बंद कर लेता हूँ और देखिए मैं फोन रख देता हूँ, मैं फोन को टच भी नहीं करूंगा, इस फोन से मैं मैसेज करूंगा, देखिए कॉल स्पेस में पासकोड जो मैंने अभी पासकोड आपको दिखाया था और स्पेस में नंबर, जैसे ही मैं सेंड करता हूँ, देखिए सर जैसे ही सेंड किया इस पे मैसेज पहुंचा और इस फोन ने ऑटोमेटिक इस फोन पे जो है कॉल कर दिया है, ये देख सकते हैं आप। क्या बात है जी, बिल्कुल सर। अब मैं यहाँ से कॉल रिसीव करके सुन पाऊंगा कि वो मार्केट में है, शोर आ रहा है तो इसका मतलब वो मार्केट में है, डीजे चल रहा है मतलब पार्टी कर रहा है। अच्छा ऑटोमेटिक ये फोन ऑन हो जाएगा? जी बिल्कुल सर, ऑटोमेटिक ये कॉल कर देगा इनको, मतलब आपको उठाने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक कॉल कर देगा। ये जेब में भी रखा रहेगा मान लीजिए तो भी ये फोन से जैसे ही मैसेज रिसीव हुआ ये ऑटोमेटिक कॉल कर देगा। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त फीचर दे रखे हैं। जी जी देखिए मैं आपको बताता हूं सर, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है चार्जिंग मोड है सर जी, चार्जिंग मोड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनके हम मार्केट में जाते हैं, बस स्टॉप पे जाते हैं या फिर रेलवे स्टेशन पे रहते हैं, रेल में सफर कर रहे होते हैं तो उस केस में हम चार्ज में लगा देते हैं। ठीक है मैम दिखाइए, देखिए सर सिंपली चार्जिंग में इसे लगा देते हैं और यहां से आप चार्जिंग मोड इसका ऑन कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, चार्जिंग मोड सर मैंने ऑन कर रखा है, देखिए तो जैसे ही वो चार्जर से निकलेगा ये हां बिल्कुल अलार्म बजा देगा, इसमें से हमारे फोन निकालने की कोशिश करेगा जी, तो ये साइलेंट कर देगा। ओके पब्लिक प्लेस में इतना लाउड बजेगा जी कि इजीली आपको सुनाई दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल आप उसे पकड़ सकते हैं, मतलब कोई भी बटन वगैरह दबाएं वॉल्यूम का ऊपर नीचे करें तो ये बंद नहीं होने वाला है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, स्विच ऑफ करने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए ऑप्शन नहीं आता, ऑप्शन नहीं आ रहा, और साथ में जो वॉल्यूम कम करने की भी कोशिश कर रहा हूँ बट वॉल्यूम कम नहीं हो रहा। ठीक बात है, तो काफी अच्छे अच्छे फीचर इसमें दे रखे हैं। इसको बंद करने का सिर्फ एक तरीका है सर, जब इसका पासवर्ड आप खुद ओपन करेंगे, यानी कि जब पैटर्न डालेंगे तब। ठीक है नेक्स्ट फीचर है हमारा पॉकेट मोड, पॉकेट मोड अगर हम ऑन करके जी अपना पॉकेट 5 सेकंड के अंदर में पॉकेट में डालते हैं, इन केस हमारा फोन पॉकेट में से कोई निकालने की कोशिश करेगा जी, तो देखना सर क्या होता है। देखिए अभी मैं इस फोन को निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ही मैं फोन को निकालूंगा इस तरीके से सायरन बजेगा और मैम तुरंत मेरे को पकड़ लेंगी कि फोन मेरा निकला है। क्या बात है जी, और इसको कोई ऑफ नहीं कर सकता है, देखिए मैं अभी बंद करने की कोशिश भी करूंगा तो मैं ऑफ नहीं कर पाऊंगा, और मैम फिंगर लगाएंगी या पासवर्ड ओपन करेंगी तभी तो ये बंद हो जाएगा। ठीक बात है, लेकिन मोड जो है सर हमारा वो इमरजेंसी कॉल है, इस सिचुएशन में जैसे कि हम बाहर जाते हैं और ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हैं कि हमें 4 लोगों ने घेर लिया है जी, और उस सिचुएशन में अगर हम अपना फोन निकाल के बात करेंगे किसी को कॉल में लाएंगे तो सिचुएशन में क्या उसमें टाइम लग जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, तो अगर हमारा फोन पॉकेट में है इस सिचुएशन में अगर हम अपना फोन को अपने फोन को पावर बटन को 6 बार प्रेस करते हैं जी 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, तो देखिए सर इस फोन से ऑटोमेटिक कॉल चली जाएगी इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर पर जो आपने फीड कर रखा होगा। ओके देखिए अभी जो है एक्टिव ये हो रखा है सर, तो अभी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है कॉल आ रही है, आने वाली है। क्या अभी मैं कॉल कट कर देता हूँ, जी बिल्कुल बात है, मैं कॉल कट कर रहा हूँ सर, अभी मैं आपको दिखाऊंगा ये कॉल के साथ साथ सर मैसेज भी आया है। अच्छा जी, मतलब वो गूगल मैप का जो लोकेशन है वो एग्जैक्ट आने वाला है उसमें, बिल्कुल सर, कि आप कहाँ पर हैं तो उस तरह से पूरी ट्रैकिंग की जा सकती है। डायरेक्टली आप गूगल मैप पे ले जाएगा और अपने परिवार वालों की तुरंत हेल्प आप कर सकते हैं। जी जी, ये हमारी लोकेशन होगी। ओके दूसरा बंदा है तो उससे पता चल जाएगा, देखिए सर आप सामने खड़े हैं तो ये आपकी फोटो बिल्कुल बिल्कुल भेज दिया। तो इस टाइप का बहुत सारे फीचर दे रखे हैं सुरक्षा कवच ऐप में जी, तो कोई भी लेना चाहता है यार तो बहुत ही इजिली आप इस ऐप को इंस्टॉल करवाइए, क्योंकि हम जो महंगे महंगे फोन इस्तेमाल करते हैं उनकी सेफ्टी के लिए ऐप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दे रखा है। जी बिल्कुल सर, एक मोड मैं और दिखाना चाहूंगा सर जी, जो की रिंग मोड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनकेस मेरा फोन साइलेंट पे, देखिए मैं अभी फोन साइलेंट कर लेता हूँ, ये देखिए मैंने साइलेंट कर लिया। ओके और सिंपली मैं रख देता हूँ मान लीजिए फोन को, अब मैं फोन भूल जाता हूँ, मेरे बैग में पड़ा या कहाँ गया, कवर के नीचे गिरा है, कहाँ गिरा मुझे पता नहीं है, फोन साइलेंट पे मैं कॉल भी करूंगा तो उस पे सिर्फ बेल बजेगी मेरे को सुनाई नहीं देगा जी। अब यहाँ से यदि मैं मैसेज करता हूँ किसी भी अनदर फोन से, रिंग स्पेस में पासकोड, मेरा जो पासकोड है 4x1 है। अच्छा वो डालना पड़ेगा। बिल्कुल सर, जैसे ही मैसेज यहाँ पे रिसीव होगा देखिए साइरन करने लग जाएगा, साथ में वाइब्रेट भी कर रहा है, मतलब कहीं रखा रहेगा आपको पता भी लग जाएगा कि कहाँ पे है। इसके बंद करने के सिर्फ 2 तरीके, यहाँ से स्टॉप लिख करके भेज दीजिए
या डायरेक्टली आप जो है पैटर्न खोल दीजिए। बहुत बढ़िया। तो ये कुछ आप लोगों ने फायदे और बेनिफिट देखे, मतलब इस एप्लीकेशन के क्या क्या बेनिफिट है और कितना ये यूजफुल होने वाला है आपके मोबाइल के लिए और आपके लिए भी। तो सर अगर कोई इस पैकेज को लेना चाहता है या कोई आपसे जुड़ करके बिजनेस करना चाहता है तो कितना पैसा और कितना इन्वेस्टमेंट करके वो कितना प्रॉफिट कमा सकता है महीने का? बिल्कुल सर, देखिए प्रॉफिट की बात करूँ तो आज के डेट में आपको पता ही होगा सर कि जो आजकल हमसे जुड़ते हैं वो बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है मार्जिन कमाते हैं। मैं बात करूँ जो छोटे पैकेज से जुड़ते हैं सर, जो रिटेलर बनते हैं, सुपर रिटेलर बनते हैं, उनकी बात करूँ तो वो एक दिन में 5 से 6 पीसेज भी इंस्टॉल कराते हैं लोगों के मोबाइल में। अच्छा। तो वो महीने के सर 65 से 70 हज़ार रुपये वो आराम से अर्निंग करते हैं। अच्छा जी। और सर आप यदि डिस्ट्रीब्यूटर लेवल की बात करूँ, यदि कोई डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर जुड़ता है सर तो उनका तो प्रॉफिट सर आप सोच सकते हैं, क्योंकि एक डिस्ट्रीब्यूटर के अंडर में सर पूरा डिस्ट्रिक्ट होता है और उसके कम से कम 30 से 40 रिटेलर उसके नीचे वर्क करते हैं। और जब वो रिटेलर 3 से 4 पीस बेच करके 5 से 6 पीस बेच करके 65 हज़ार रुपये कमा रहा है तो आप खुद सोच सकते हैं सर आपका तो कितना थोक में माल निकलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब कितना ज़्यादा मुनाफा उसको होने वाला है। और इस एप्लीकेशन के थ्रू मतलब आप ये मान करके चलो अगर ये एक सिंगल पीस भी आपका सेल आउट होता है ना तो डबल से ट्रिपल आप लोगों को इससे मुनाफा मिलने वाला है किसी भी तरीके से। आज की डेट में कोई भी हमारे साथ यदि डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पर जुड़ते हैं सर तो उनको सबसे पहले तो एक प्रॉपर एग्रीमेंट जो कि पूरे स्टैम्प पेपर पे जो है उनका एक एग्रीमेंट किया जाता है पूरे एक साल के लिए और उनको पूरा डिस्ट्रिक्ट दिया जाता है सर। साथ में यदि वो खुद नहीं एक एम्प्लॉय रख करके काम करवाते हैं तो उनकी सैलरी भी कंपनी पे करती है सर। अरे वाह क्या बात। और सेकंड चीज सर यदि मैं आपको बताऊं तो उनको 2 मैनेजर असाइन किए जाते हैं, यदि उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है, उनके एंड कस्टमर को कोई प्रॉब्लम आती है तो डायरेक्टली उनको डील नहीं करना है, ना ही उनको यदि प्रॉब्लम आती है तो सॉल्व नहीं कराना है, डायरेक्टली बोलिए कंपनी में कॉल कीजिए, कंपनी के हमारे मैनेजर वहां पे बैठे हुए हैं वो आपकी मदद करेंगे। तो मतलब अगर मैं देखूं तो पूरी तरह से आप लोगों की तरफ से हेल्प मिलने वाली है। बिल्कुल सर, पूरी गाइडेंस पूरी ट्रेनिंग आप लोग प्रोवाइड करेंगे कि कोई बिजनेस करना चाहता है तो कैसे वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर सकता है। तो जैसे मान लीजिए कोई डिस्ट्रीब्यूटर बनता है सर आपसे तो अगर उसको मार्केट की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है वो एक्सपेंड नहीं कर सकता है तो क्या क्या मटेरियल वगैरह आप प्रोवाइड करते हैं? देखिए सर सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो प्रोडक्ट है सर अपना रक्षा कवच एप्लीकेशन जी, ये कोई सर ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जैसे कि डोर टू डोर या फिर शॉप टू शॉप जाके सेल करें। बिल्कुल, यदि आप वो करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत ज्यादा सेल होगा, लेकिन सर इसे आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। ओके। कोरोना की स्थिति में जो लॉकडाउन लग रहा है सर उसमें भी आप सेल कर सकते हैं, ये प्रोडक्ट आराम से बिकेगा। ऑनलाइन जाइए मतलब घर बैठे बैठे आप इसको सेल आउट कर सकते हैं, सिर्फ आप लोगों को एक छोटा सा डेमो देना है अपने एंड यूजर्स को जी, और इजिली आप इसको सेल आउट कर सकते हैं। जो हमने आप लोगों को इसके बेनिफिट बताए हैं उस बेनिफिट को बता करके या आसानी से कोई भी इसको इंस्टॉल करवा करके इसकी बेनिफिट्स और इसको यूजफुल बना सकता है। जी बिल्कुल सर, क्योंकि सर फेसबुक इंस्टाग्राम और हम जो प्रोवाइड करते हैं सर वो बल्क SMS प्रोवाइड करते हैं, वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, उनको आप लगाइए, लोग डायरेक्टली आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे और उनको आप प्रोडक्ट दे सकते हैं जी। और सर मार्केटिंग मटेरियल में बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो हम एग्रीमेंट करते हैं। ओके। जैसे कि ये देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर लेवल पे जो है एग्रीमेंट होता है इस तरीके से स्टैम्प पेपर पे सर। ओके। जी सारा लीगल डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप लोगों को यहाँ पर पैकेज मिलने वाला है, देख सकते हैं कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और क्या क्या होगा सर इसके साथ? साथ साथ बिल्कुल एक जो कई बार हो जाता है कि ऑथोराइज्ड सर्टिफिकेट भी यहाँ से दिया जाता है, कहीं कई लोग पूछ देते हैं कि सर आप किस कंपनी से जुड़े हुए हो तो आप उनको ये दिखा सकते हैं, अपने ऑफिस में लगा सकते हैं तो सर्टिफिकेट भी आप लोगों को कंपनी की तरफ से मिलेगा। साथ ही साथ सर मैं बात करूँ मार्केटिंग मटेरियल की तो ये देखिए इस तरीके के आपको पैम्पलेट्स दिए जाएंगे और साथ ही साथ जो है सर यहाँ पे आपको पोस्टर्स दिए जाएंगे इसमें तरह तरह के, तो इसको आप लोकली मार्केट में अपने आसपास नियर बाय डिस्ट्रीब्यूट करा सकते हैं जी। और इस एप्लीकेशन के जो बेनिफिट हैं वो आप बता सकते हैं मार्केट में किसी को भी। हाँ सर, इस पे सारी चीजें सर लिखी हुई हुई है, ठीक बात है, आराम से पढ़ करके समझ सकते हैं सर। ठीक है। और सेकंड चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा सर, देखिए टी शर्ट्स जो है उनको टी शर्ट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं यहाँ से। ओके जी सर, तो स्टाफ इस तरह के टी शर्ट्स वगैरह जी सर हमारे पास 4 कलर में टी शर्ट पूरा प्रमोशन कर सकते हैं, तो सारे तरह से आप लोगों को मार्केटिंग मटेरियल प्रचार सामग्री पूरी मिलने वाली है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी और डिस्ट्रीब्यूशन शिप में पूरे हेल्प की जाएगी आप लोगों को कंपनी के साइड से। जी बिल्कुल सर। और आपको मार्केटिंग मटेरियल में और भी कुछ चाहिए जैसे कि कैनोपी, स्टैंडी, छतरी या कैप, तो वो सारी चीजें कंपनी प्रोवाइड करने वाली है। ठीक बात है। और किसी भी तरह की आप लोगों को हेल्प चाहिए तो कस्टमर केयर नंबर दे रखा है, आप यहाँ पे कॉल करिए, पूरी गाइडेंस पूरा सपोर्ट आप लोगों को मिलने वाला है इस कंपनी की तरफ से। तो एंड में अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो ये कवच कोई अगर इंस्टॉल करना चाहता है तो कितने का पड़ता है,
तो उसके बारे में आप कैसे इन्फॉर्म करेंगे? सर मैं बात करूँ सिंगल पीस की, तो सिंगल पीस का जो प्राइस रहता है वो 499 रुपए रहता है। यदि आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कॉल कीजिए, वो आपको सारी डिटेल देंगे, ए टू जेड चीजें बताएंगे कि कैसे आप वर्क कर सकते हैं, कितना मार्जिन आपको रहने वाला है, ए टू जेड चीजें। तो दोस्तों ये आप लोगों को रक्षा कवच का हमने फायदा और बेनिफिट बताया, कितना यूजफुल ये एप्लीकेशन दे रखा है आपके मोबाइल के लिए, आपके मोबाइल की सिक्योरिटी के लिए और आपके खुद के लिए। किसी को भी जुड़ना हो तो आप दिए हुए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट करके सर से आप बिजनेस प्लान के बारे में समझ सकते हैं, कितने का पैकेज पड़ने वाला, सारा कुछ डिटेल्स आप लोगों को बताई जाएगी। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों छोटी सी वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा, कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, और जो भी मेरे चैनल पे है जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाई, एक लाल कलर का बटन होता है उसको दबा दो, उसके बगल में घंटी का ऑप्शन होता है तो टर्न करके उसको मार दीजिए। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, सावधान रह करिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सफरनामा। धन्यवाद।